द निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हरियाणा में पंचायत इलेक्शंस का जो है बिल्कुल बच चुका है और लोग खूब तैयारियां भी कर रहे हैं इन इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में पंचायत चुनाव थे जो लंबित थे और काफ़ी इंतजार करने के बाद अब फाइनली इनकी डेट जो है तय हो चुकी है और आज पहला दिन है पहले चरण के जो इलेक्शन है उनका नॉमिनेशन का, यानी आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर से पहले चरण के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। लेकिन एक कंफ्यूजन जो अभी भी कैंडिडेट के मन में है, जो इस बार अलग अलग जैसे ब्लॉक समिति पंचायत सरपंच या पंच के लिए अपना नॉमिनेशन भरना चाहते हैं, एक उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरना चाहते हैं जिला परिषद के लिए, तो उनके मन में एक डाउट है और वो डाउट आप सब जानते हैं कि दस्तावेज जो होते हैं इसके लिए नॉमिनेशन के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए उसको लेकर है, क्योंकि हर बार की भांति तो खैर नहीं, लेकिन अब जो हुआ है वो पहले से कहीं ज़्यादा टफ है कैंडिडेट के लिए अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हरियाणा में पहले जो चरण का इलेक्शन है उसका नॉमिनेशन आज से शुरू हो चुका है और इसका एक प्रोसेस जो रहेगा नॉमिनेशन का वो 19 अक्टूबर तक रहेगा, उसके बाद 20 अक्टूबर को सेलेक्ट या रिजेक्ट जो भी होगा वो छांटनी हो जाएगी और जो रहेगा कैंडिडेट वो 21 अक्टूबर तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है, यानी अगर किसी कारणवश उसे अपना नॉमिनेशन वापस लेना है तो 21 अक्टूबर तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है और उसके बाद 30 अक्टूबर को पहला जो इलेक्शन है ब्लॉक समिति और जिला परिषद उसकी वोटिंग हो जाएगी और 2 नवंबर को पंच और सरपंच के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वोटिंग निर्धारित की गई है और 2 नवंबर को ही जो एक परिणाम है वो तय हो जाएगा उनका। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो उसको लेकर जो कन्फ्यूजन है वो मैं थोड़ा सा दूर करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी आपकी जैसे आप एससी कैंडिडेट हो, आपके लिए जो सरकार ने रिक्वायर की है क्वालिफिकेशन वो मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है, यानी अगर महिला के लिए 5 क्लास पास की ज़रूरत है तो वहीं पुरुष के लिए 8 क्लास जरूरी है और वहीं जो अदर कैटेगरी है जैसे बीसी हो या जनरल हो उसके लिए जिस प्रकार से सरकार ने निर्धारित की है 10वीं 12वीं जो भी उनके लिए निर्धारित है, महिला के लिए 8वीं, तो वो उनके लिए एक तरह से कंपलसरी है, वो डॉक्यूमेंट उनको ज़रूर सबमिट कराना पड़ेगा नॉमिनेशन में, उसकी एक फ़ोटो स्टेट कॉपी अटेस्टेड के रूप में पर जमा करानी पड़ेगी नॉमिनेशन के वक्त। और उसके अलावा 3 बैंकों का जो नोट ड्यू सर्टिफिकेट मांगा गया है वो भी आपको देना पड़ेगा, बशर्ते आप उसे एक ही कागज़ पर तीनों बैंकों की मोहर मरवा के वो जो उसमें लिखा होगा कि हमारे बैंक का कोई भी लेन देन इसके सर बकाया नहीं है, इसके ऊपर कोई ऐसा बकाया हमारे बैंकों का नहीं है, तो वो एक ही कागज़ पर आप दे सकते हैं, जमा करा सकते हैं। और उसके अलावा बिजली विभाग से भी आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट देना आवश्यक है, यानी जो आप बिल भरते हैं या नहीं भरते हैं तो वो आपको क्लियरेंस बिजली विभाग से मिल जाएगा, आपके नज़दीकी जो बिजली दफ्तर है वहाँ से। और इसके अलावा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी नहीं है, हालांकि मांग रखे हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं है, और जहाँ जहाँ पर रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट के लिए एक पद निकले हैं वो वहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, यानी अगर आपके पास नहीं है तो आप एक एफिडेविट बनवा कर और उस पर सिग्नेचर करके वो भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। और उसके अलावा आपके खिलाफ कोई ऐसा कोई केस पेंडिंग ना हो या आपको कोई सजा ना हुई हो उसका डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा, यानी उसमें आप बिल्कुल आपके ऊपर कोई केस नहीं है या कोई केस था तो उसका क्या मैटर है, क्या चल रहा है, किस प्रकार से उसका प्रोसेस है, वो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर कोई आपके ऊपर आपत्ति लगाए तो उसका कोई भी प्रूफ आपको देने की ज़रूरत नहीं है और जो भी आपत्ति लगाने वाला व्यक्ति होगा वो ही आप वहाँ पर सबूत आपके खिलाफ लेकर आएगा कि ये इसके खिलाफ एलिगेशंस हैं, ये आरोप हैं, ये इस प्रकार से आरोपी है, जो भी है वो उसको सबूत देना पड़ेगा, आपको इसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
और रही बात घर में शौचालय बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, इसके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन ही देना है कि हाँ मेरे घर पर शौचालय बना हुआ है, हाँ मेरे घर पर शौचालय नहीं बना हुआ, ये भी एक डिक्लेरेशन के रूप में देना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट है, फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को। मैंने जैसे बताया कि आपका योग्यता, जो आपकी आपने पढ़ाई की है, उसका प्रमाण पत्र आपको देना जरूरी है। 3 बैंकों का नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है, NOC देना बहुत जरूरी है, यानी कंपलसरी है। और इसके अलावा बिजली विभाग से जो आपको एक NOC मिलेगी नो ड्यूज की, वो भी लगाना बहुत मतलब जरूरी है, कंपलसरी है। और इसके अलावा जो और अन्य डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो शपथ पत्र देकर, डिक्लेरेशन देकर आप अपना नॉमिनेशन जमा करा सकते हैं। और इसके अलावा कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार दोस्तों आप फिर भी इसके बारे में पूरी जानकारी अपने लोकल जो अधिकारी हैं उनसे ले सकते हैं, शायद हो सकता है हमारी जानकारी में कोई कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लें। लेकिन जितनी जानकारी मुझे थी या मेरे तक पहुंची थी, मैंने वो आप तक शेयर की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज से नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और हर उस कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो भी कुछ फ़ायदा इस वीडियो के माध्यम से उठा सके। धन्यवाद।